नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि 4 मार्च को कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सपत्नीक अयोध्या धाम भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। वहीं खराब कालखंड के बाद आज भगवान श्री राम का अनुभव एवं अद्भुत मंदिर माँ सरयू नदी के किनारे जगमगा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव लखनऊ के प्रवास के बाद भोपाल लौटने पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा के जन्म स्थान और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम से आनंद से सरोबर होकर लौटा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि फरवरी माह में अयोध्या में अधिक भीड़ होने एवं अन्य व्यवस्थाओं के कारण प्रदेश भर में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मार्च 2024 में माह में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने जाने का निर्णय लिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी आस्था का केंद्र आज तक सबकी श्रद्धा के रूप में उभर कर सामने आया है। चाहूंगा कि कल हमारा पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम पे जाएगा, जब भगवान श्री राम का 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश हुआ। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नी अपना ये यात्रा करेंगे तीर्थ पे। हमारा अपना भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, सनातन संस्कृति को मानने वाले भी हैं और हमारी आस्था का केंद्र आज जब एक अलग रूप में हमारे सबके भी श्रद्धा के केंद्र के रूप में उभर के आया है तो स्वाभाविक रूप से सबकी भावना भी है। और माननीय मोदी जी और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ जो लोकार्पित हुआ है तो फरवरी माह में मार्च की तारीख रखी थी, इसलिए कल हम कैबिनेट की बैठक के बाद यहाँ से दर्शन करने जाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से समस्त प्रदेशवासियों को भी आग्रह है कि आप जैसा जब भी समय मिले वो अयोध्या दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि अब आज का वो दौर है जिस दौर में हमारे काल के उस खराब कालखंड के बाद आज भगवान राम का अद्भुत मंदिर माँ सरयू के किनारे वो अद्भुत जगमगा रहा है। मेरी अपनी ओर से जय श्री राम। भोपाल से अरुण कश्यप की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।